आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी जनरेशन की, वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जनरेशन है वो पैसिव होती चली जा रही है, बॉडी के लेवल पे भी और माइंड के लेवल पे भी। वी नीड समथिंग टू ऑक्यूपाई आर अटेंशन, मतलब हमको अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके एक जगह पर टिकाना नहीं आता है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। फिजिकली भी हम लेजी होते चले जा रहे हैं, मेंटली भी लेजी होते चले जा रहे हैं। तो डू समथिंग जिससे कि आप फिजिकली भी एक्टिव हो। एग्जैक्टली देखो, जब लेजी हो गए आप, मैं बताता हूं आप क्या कहने वाले थे। आप ये कहने वाले थे कि मन में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, राइट? घूमता रहता है, बोलते रहते हैं अपने आप को ही, कुछ मन में हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। मतलब अंदर ऑर्डर नहीं है, डिसऑर्डर है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। और इन पांच बातें जो आई, उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये नहीं है कि एक लाइन ऑफ थॉट है जिसके अंदर हमारा थॉट जा रहा है, कुछ भी आता रहता है रैंडम। अंदर एक रैंडमनेस है, एक ऑर्डर नहीं है, एक फ्लो नहीं है। ऐसा ही है ना, यही है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो अब इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूं वो क्या है। जो प्रॉब्लम की जड़ है वो क्या है कि हम पैसिव होते चले जा रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जैसे ही आप फिजिकली और मेंटली पैसिव हो जाओगे, आप लेजी हो जाओगे। एंड जब आप लेजी हो जाओगे तो माइंड ओवर एक्टिव हो जाएगा, माइंड ओवर थिंकिंग के मोड में चला जाएगा। मतलब माइंड तो हाइपर एक्टिव हो गया और फिर एक लूप बन जाएगा। माइंड जितना ओवर एक्टिव होता चला जाएगा उतना ही फिजिकली आपको बुरा लगेगा। जितना फिजिकली बुरा लगेगा, अब आपके उल्टे इमोशंस और फीलिंग्स भी ट्रिगर हो जाएंगे। नाउ यू विल गेट इनटू दैट लूप व्हिच इज कॉल्ड द लूप ऑफ व्हाटएवर यू वुड लाइक टू कॉल इट एज ओवर थिंकिंग। उसी को और आगे एक्सटेंड कर दो तो एंजाइटी रिलेटेड टू फ्यूचर, डिप्रेशन रिलेटेड टू द पास्ट, एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द प्रेजेंट कि अभी क्या हो रहा है। तो हम हर तरफ से फंस गए। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं कि सॉल्यूशन क्या है। फिजिकली एक्टिव हो जाओ, वो कैसे होना है वो आपकी चॉइस है, वो आपकी कॉल है। फिजिकली एक्टिव हो जाओ, मेंटली एक्टिव हो जाओ, नॉट इन द सेंस ऑफ ओवर थिंकिंग। मेंटली एक्टिव का लोग गलत मतलब निकाल लेते, वो कहते हैं यार मेंटली तो हम पहले से ही बहुत एक्टिव है, बहुत कुछ घूमता रहता है माइंड में। नहीं, वो चिंता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो चिंतन है। दोनों में बड़ा फर्क है। एक होता है चिंता कि हमको चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, कल ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये सब चिंता है, ये स्ट्रेस है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो चिंतन है। चिंतन मतलब थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, एंड इफ रिक्वायर्ड इमेजिनरी थिंकिंग। बहुत बार आपको चीजें इमेजिन करनी होती है। जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वहां पे इमेजिनेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बट वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी इमेजिनेशन हमारी माइंड में आ रही है, कुछ भी सपने आ रहे हैं उल्टे सीधे और फिर हम उसी से डर रहे हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा घूम रहा है। आप समझ गए? तो ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सबकी है। और इसका यही सॉल्यूशन है कि हमारी बॉडीज बनी है एक्टिव रहने के लिए। जितनी आपकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी आपका माइंड पीसफुल हो जाएगा। अब उस पीसफुल माइंड को एंजॉय नहीं करना है, उस पीसफुल माइंड को यूज करो किसी ढंग की जगह पे माइंड को लगाने के लिए, ताकि माइंड की भी मसल स्ट्रांग हो। जैसे बॉडी की मसल स्ट्रांग होती है ना, ऐसी माइंड की भी मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। दैट शुड बी द फोकस, दैट शुड बी द गोल। और उसमें अपने आप को चैलेंजिंग जगहों पे डालो। हम लोग चैलेंजेस को अवॉइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर लगता है प्रेजेंटेशन देने में। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोगों के अंदर ये डर होता है। और कुछ नहीं तो एक कैमरा लगाओ। कैमरा भी क्या लगाना है, आजकल तो मोबाइल में सबके कैमरा है। मोबाइल लगाओ और अपनी एक प्रेजेंटेशन दो। अपने आप को चैलेंज करो कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है 5 मिनट की। उसको कौन देखेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कोई नहीं देखेगा, मैं खुद देखूंगा। मैं देखूं तो सही, मुझे पता तो लगे मेरा लेवल क्या है। ये गेटिंग? हाँ, तो कुछ ऐसी चीजें करनी होती है। जरूरी नहीं है कि वो एक पैटर्न में हो या वो बिल्कुल उस तरीके से हो जिस तरीके से सब करते हैं। यानी कि मैं ये करूंगा फिर मैं जॉब करूंगा। ये तो सभी सोच रहे हैं ना इस तरीके से। मैं क्या कह रहा हूं, डू समथिंग विच चैलेंजेस यू एज अ पर्सन, जो आपकी लिमिट्स को पुश करने के लिए आपको इंस्पायर करे। और रोज आप कुछ ऐसा करो जिसमें कि आपको मजा भी आए और आप बेटर होते चले जाओ डेली बेसिस पे। इस तरह से अगर आप सोचते रहोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि जो आने वाले 1-2 साल बाद आप बन जाओगे, वो उससे बहुत अलग होगा जो अभी आप करेंटली हो। That will be a much better version. जैसे versions आते हैं ना apps में, ऐसे ही आपका एक नया version आएगा। कोशिश करो हर हफ्ते में या हर महीने आपका एक नया version आना चाहिए। Version 2.0, 3.0, 4.0, maybe 100.0, whatever. चलने दो ना, आगे बढ़ने दो।
तो अपने वर्जन को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहो, उस पर फोकस रखो। बताइए, हम जब भी न्यू शूज परचेज करते हैं तो एट द बिगनिंग वो हमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, लाइक काटते हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, एडजस्ट होने में टाइम लेते हैं। एट द सेम प्लेस लाइक लाइफ में कोई भी न्यू थिंग्स आती हैं, देन हमें डरना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम होंगी एट द बिगनिंग, बट अगर हम डेली उसे कैरी करते हैं, हम अच्छे से उसको हैंडल करते हैं, देन इजी हो जाएगी लाइफ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट पॉइंट, लेट्स गो बिग एंड फॉर अस। हमारे कंफर्ट जोन होता है, जूते जब भी हम चेंज करते हैं तो जैसे ही चेंज करते हैं पहला थॉट क्या आता है, यार वो पहले जितना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले में हम कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। और शुरू में जब नया लेते हैं तो कभी परफेक्ट कभी भी फिट नहीं होता है, कोई भी शू चलने में कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है। लेकिन अगर हम वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखें, लाइफ में जैसे ही हम किसी भी नई सिचुएशन में एंटर करते हैं, नई रिलेशनशिप में, नई जगह पर जाते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो वहां पर एक बार को हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त अगर हम पेशेंस रखें, उस वक्त हम जल्दी में कोई डिसीजन ना लें, ये नहीं कि एकदम से हमने कुछ करना शुरू किया, जैसे कोई एक्सरसाइज करनी शुरू करी, थोड़ा सा दर्द हुआ, चल भाई छोड़ मैं नहीं करूंगा, होता है ना बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, या कोई नया एकदम से काम किया हो रहा नहीं है, जैसे सपोज गिटार बजाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द हुआ थोड़ा सा छोड़ना कौन सीखेगा, तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो शुरू में हम कुछ भी करेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा करके तो हमको प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे जूते को टाइम लगता है थोड़ा सा फिट होने के लिए, तो उस टाइम पे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जल्दीबाजी में हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। थोड़े दिन का अगर हम पेशेंस रखते हैं तो धीरे धीरे हम एडजस्ट कर जाते हैं, जैसे वो शू उसके हिसाब से हमारे पैर के हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। फिर भी नहीं करता है तो फिर बदल दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बट कुछ टाइम का पेशेंस रखना जरूरी है। शू का बेस होता है सोल, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर उसका सोल ही नहीं होगा तो शू बनेगा ही नहीं। जैसे एक बिल्डिंग के लिए एक नींव रखी जाती है, तो अगर तो सबसे ज्यादा उसे ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। Let's go big hand for us. शू का जो सोल है SOL वाला, वो उसका सोल है SOUL वाला। सोल बेकार तो शू बेकार किस काम का है? अगर किसी शू में सोल ही स्ट्रांग नहीं है, पड़ जाएगा एक दो दिन के अंदर अंदर। ऐसे ही हमारा जो सोल है SOUL वाला, दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सोल का मतलब होता है मैं, ये लोगों को पता नहीं है, वो कुछ और ही इमेजिन करते रहते हैं। सोल का मतलब समझते हैं आत्मा है, यहाँ से निकलेगी हम मरेंगे, उड़ती हुई जाएगी, वो इस शेप की होगी, वो आके ऐसे ऊपर से देखेगी लोगों को, लोग रो रहे हैं, ये सब नहीं है। सोल का मतलब क्या होता है? मैं जितना अंदर से स्ट्रांग हूं उतना ही मैं इस लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, अनलिमिटेड आने वाली है, उसको अच्छे से फेस कर सकता हूं। तो खुद के ऊपर काम करना है, यही मैं अपने हर सेशन में बार 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 बोलता हूं तोते की तरह। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या? खुद के ऊपर काम करना है। दुनिया को अगर आपने अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप परेशान हो जाओगे, खुद को स्ट्रांग नहीं बना पाओगे, तो दुनिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। लेकिन अगर आपने खुद को तैयार कर लिया इस दुनिया के लिए, तो दुनिया आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती। कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सर, हम लाइफ में सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर सर हमें फियर होता है सर कुछ ना कुछ, तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरह सर फियरलेस कैसे हो सकते हैं सर? कितने लोग चाहते हैं? आई आंसर दे। और तेरी इतनी मेजोरिटी, आपको तो भाई पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपकी तरह सर एब्सोल्युटली फियरलेस कैसे हो सकते हैं? मेरी तरह? यस सर। मेरी तरह तो एक ही है भैया दुनिया में। पहले ध्यान से समझना है डर किस चीज का होता है। जैसे आप क्या करना चाहते हैं थोड़ा शेयर करेंगे, इफ यू आर ओके विद इट, जो करने के नाम से आपको डर लग रहा है। सर एक तो सर जैसे स्टेज पर बोलने पर बहुत डर लगता है। वो तो डर अभी मैं निकाल दूंगा, दो मिनट में यहाँ पे आ जाओ, अभी निकल जाएगा डर। आओ आओ ना भाई। थैंक यू सर। अब बताओ क्या डर है इसके अंदर, इन खचरों से क्यों डर रहे हो? आपने मेरे सेशंस देखे हैं? यस सर, सारे देखे सर, मैं सारे देखे हैं। तो उन सबको जो भी आपने इतने सारे सेशंस देखे हैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो दो मिनट के अंदर अंदर, तो आप करो। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी मेरे सेशन में? सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी सर, आपने एक बार बोला था कि जो भी काम करो एटीट्यूड के साथ करो। आपने बोला था कि मेरा ये है, आप तुझे चाहिए तो ले, नहीं तो आगे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये चीज बहुत अच्छी। इन सबको बोलो कि देखो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, चाहिए तो लो, नहीं तो
इसकी डेप्थ को समझो, ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, साथ वाले गए तेल लेने, इसको समझने की कोशिश करो, मतलब किस वे में बोल रहा हूँ, कि इसका मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें जो करना है वो हमें करना है।